किसकी सबसे पहले कीमत लगी करबला के लिए। बहरहाल मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मसाइब पड़े जाते हैं, बहरहाल लेकिन पहली कीमत किसने लगाई है, ये यूं कहें कि किसने कूफा को तैयार किया है, बुलाया इमाम हुसैन ने हजरत मुस्लिम को, हजरत मुस्लिम खत दिया, खत लिखा कि मैं मुस्लिम बिन अकील अपने भाई, अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसे वाले शख्स को भेज रहा हूं। पहले भाई कहा, बाद में चचाजाद कहा, भरोसे वाले शख्स को भेज रहा हूं, उसकी बैत करो। पहुंच गए हजरत मुस्लिम, गए बुजुर्ग, आए बड़े बड़े आए, बैत शुरू हो गई, होना शुरू हो गया। इब्ने ज़ियाद दाखिल हो गया, साजिश किया, फितना किया, हजरत मुस्लिम जहां इतने हजार वहां कम होना शुरू हो गए। हजरत मुस्लिम तन्हा रह गए। रात हुई, हजरत मुस्लिम ने बड़ी कोशिश की कि अब हजरत मुस्लिम को फिक्र क्या है, आप जानते हैं ये है वो कीमती हीरा जिसे अपनी फिक्र नहीं है, जिसे हुसैन की फिक्र है। हजरत मुस्लिम बस यही चाहते हैं कि जो मैंने पहले कासिब भेजा था उस वक्त कूफा के हालात कुछ और थे, अब कूफा के हालात कुछ और हैं, अब मैं कैसे बताऊं इमाम हुसैन को कि यहां मत आइएगा। बड़ी कोशिश की मुस्लिम ने, लेकिन हर जगह पहरे लगे हुए हैं, दरवाजों में सिपाही बैठे हुए। हजरत मुस्लिम ने अपने घोड़े को रहा किया, रात मस्जिद में गुजारी, दूसरा दिन वो पे रहे, फिर रात हुई, फिर निकले, नहीं मिला। पैदल है कूफा की गलियां, सुनसान गलियां, एक दीवार पर आकर टेक लगा कर बैठ गए। एक खातून बूढ़ी बाहर निकली, उसने देखा, उसने कहा शेख तू नहीं जानता मुस्लिम के पीछे फौज लगी हुई है, शहर में पहरा है, अपने घर चला जा। ये कहकर अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसका अपना बेटा नहीं आया था, फिर बाहर निकली, देखा, फिर कहा शेख तू घर क्यों नहीं जाता, तुझे नहीं पता शहर के हालात क्या है। हजरत मुस्लिम कहते हैं जिसका घर ही ना हो। कहा क्या तू कूफा का रहने वाला नहीं है? कहा नहीं मैं कूफा। कहा मैं मदीना का हूं, मदीना का नाम सुनना था ये घर से बाहर आई। कहा क्या मदीना में? कहा कूत महल्ला बनी हाशिम का। कहा बनी हाशिम का? कहा कौन है तू? कहा मुस्लिम बिन अकील हूं। अरे ये सुनना था, अहले बैत के चाहने वाली थी ना, घर ले आई, पानी तो पी चुके थे। कहा कुछ खाओगे? कहा नहीं बस पानी पीना था, पी लिया। सफीरे हुसैन है, मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू कर दी। रात को जाकर देखती है, कहा सोए नहीं? कहा नहीं सोया था, थोड़ी देर सोया था मगर चचा ख्वाब में आ गए। कहा जल्दी करो मुस्लिम, वक्त थोड़ा है। हाँ आजादार मोहतरम, उसके बेटे ने मुखबरी की, लश्कर आया। हजरत मुस्लिम नहीं चाहते थे कि जिसने मुझे पनाह दी उसके घर को नुकसान हो। मुस्लिम निकले, लड़ते रहे, बड़े जो है वो मकर के साथ हजरत मुस्लिम को पकड़ा गया। लहू लोहान है, माथे पर से पेशानियों पे लहू है, वसीयत पूछी जा रही है मुस्लिम से। मुस्लिम ने देखा लोगों को, कौन है? एक शख्स को देखा, कहा सिर्फ एक ही वसीयत है, हुसैन से कह देना कूफा मत आए। कहा ले जाओ सर कलम कर दो। लेके जाने लगे, हजरत मुस्लिम गिरिया कर रहे हैं। कहा गिरिया क्यों कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? कहा मैं अपने लिए रो रहा, मैं तो हुसैन के लिए रो रहा हूँ जो अपने बच्चों के साथ कूफा आ रहा है। हाँ आजादारान मोहतरम, हजरत मुस्लिम दारुल अमारा की छत पर ले गए, हजरत मुस्लिम को पानी दिया गया। पानी जब दिया गया तो खून के कतरे पानी में टपके, पानी नजिस, दोबारा पानी लाया गया, फिर नजिस, फिर पानी लाया गया। हजरत मुस्लिम समझ गए, क्यों ना समझते, जिसका अरबाब प्यासा शहीद हो उसका गुलाम कैसे पानी पिए। गर्दन तन से जुदा हुई, बदन को घसीटा गया, मकाम पर इमाम है, इमाम पहचान गए, इमाम ने कहा इन्ना लिल्लाह है,
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت مسلم کے بھائیوں کو بلایا, کہا مسلم کے بھائیوں کو دیکھو مسلم شہید ہو گئے ہیں, اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا بس کیا چاہتے ہیں, یا کوفہ جا کر مسلم کا بدلہ لیں گے یا جیسے مسلم شہید ہوا ہے ہم بھی شہید ہو جائیں گے. بس یہ سننا تھا. پھر امام حسین نے حضرت زینب سے کہا, زینب جاؤ حمیدہ کو بلاؤ, مسلم کی 7 سال کی بیٹی ہے. بچی کو بلایا, بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, بچی کو پیار کیا. اہل بیت کی بچی ہے نا, بیٹی ہے, پہچان گئی. کہا مامو جان بابا خیریت سے ہیں؟ اللہ اکبر اجرکم اللہ. ہاں آزادارن محترم, مگر میں کیا کہوں, ایک اور چھوٹی سی بچی یہ ماجرا دیکھ رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہے؟ بس جب یاد آئے تو روتے رہیے گا. کیا دیکھ رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے کہ جب کسی بیٹی کا باپ مر جاتا ہے نا تو ہاتھ پھیرا جاتا ہے, سینے سے لگایا جاتا ہے, پیار کیا جاتا ہے. ارے ہاں روزے عاشورہ جب آواز آئی کہ حسین قتل کر دیے گئے, اب یہ بچی بھی سوچ رہی ہے کہ شاید کوئی آئے گا, سینے سے لگائے گا, ہاتھ پھیرے گا, مگر یہ نہ ہوا, تماچے پڑے, گوشوارے چنے, نیزے لگے. دشمن گرفته نفس نفس میزنه و خشکی دلبهاش محکم, اما دلش میلرزه. خدا کنه اینجوری تنها نشه مولاش, خدا کنه اینجوری.